Okay, all right, we're live. Ki haal ne? If you can see me, zara sa wave shave kar dijiyega. This is Ricky Singh, all my favorite people in the house, tuhaade layi digital paripona. Hello, aa gaya ji pehla Ishveer da wave vi aa gaya mainu. Haan ji, RJ Ricky Singh in the house. Ricky Singh kaun hai? Ricky Singh Canadian return performer. Ricky Singh kaun hai? Ricky Singh wo hai jisko sari jo hai duniya janti hai, jisko sari jo hai आर्टिस्ट जानते हैं. रेड इंडीज के पेज से लाइव है रिक्की. रिक्की की सारी टीम उसको बोल रही है रिक्की लाइव जा. वो स्लो है, वो जानते नहीं रिक्की ऑलरेडी लाइव आ चुका है. हाय प्रियंका, प्रियंका एम, कृतिका, शक्ति मबर, आयशा, सबको हाय बोलना चाहता हूँ. मुझे पता आप लोग सब क्यों आए हो. वो इसलिए आए हो क्योंकि आज शक्ति अरोरा हमारे साथ होने वाले हैं. वैसे रिक्की सिंह क्या करता है आपको बता देगा. रिक्की सिंह करता है रिक्की सिंह द वर्ल्ड काउंटडाउन. सैटरडे शाम को आता है 5 बजे. तो इस वक्त आप मुझे सुन भी रहे होंगे, मुझे देख भी रहे होंगे. तो ये रिक्की जो है, रिक्की की 11 पर्सनालिटीज है. रिक्की स्प्लिट कर देता है और रिक्की अलग अलग काम कर लेता है. कुछ कुछ कंट्रीज में रिक्की के 11 हाथ भी निकलते हैं बिकॉज रिक्की इज अ मल्टीटास्कर. वेरी शक्ति अरोरा सर, शक्ति अरोरा सर इज कमिंग वेरी सून. तेरी रूह जो उनका नया गाना आया है उसने मेरी रूह को जो है एकदम ताजा कर दिया. इसलिए रिक्की बूम, रिक्की इज गॉट टू स्पीक टू हिम, रिक्की वांट्स टू टॉक टू हिम, रिक्की वांट्स टू नो कि मतलब मेरे से थोड़े से ही कम गुड लुकिंग है पर वो इतना मैनेज कैसे कर लेते हैं. हाँ जी, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं. हाय हाय वेरी शक्ति सर. शक्ति सर के लिए बड़ी, शक्ति सर को बड़ी हिचकियां आ रही होंगी. मैं अभी शक्ति सर को बुलाता हूँ, देखते हैं शक्ति सर हमारे साथ होने वाले. पहले तो मुझे बताइए गर्मियां कैसे चल रही हैं आपके शहर में, कितनी गर्मी है थोड़ा सा वो बताइएगा. और जो मैं इंडिया हम ये सबके वीडियोज कर रहा हूँ आप देख रहे हो कि नहीं. और सबसे पहले रिक्की नू इंस्टा पे फॉलो कितना नहीं तुसी, एक ही कर देता. अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करोगे मैं आपके घर पे आऊंगा और फिर आपके जो है इंस्टा से खुद को फॉलो कर लूंगा. बाकी फिर बोलना नहीं यार रिक्की तो ऐसे कैसे कर लेता है. हाँ जी, हाय हाय ऋषिका, हाय, फाइन, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, दैट्स अ लॉट ऑफ लव. लेट्स सी इफ वी कैन गेट शक्ति अरोरा टू जॉइन अस. होल्ड ऑन, वी ट्राइंग टू सर्च एंड इनवाइट शक्ति अरोरा. आई फाउंड हिम. रिक्की घर पे बैठा हुआ है, एसी लगा के ऐसे गर्मी को हैंडल कर लेता है. अब देखते हैं शक्ति को जो है हमने इनवाइट तो भेजा हुआ है. रिक्की की तिरछी दाढ़ी के आगे आज शक्ति की जो है क्यूट लुक्स, चॉकलेट लुक्स कौन जीतेगा आज ये देखते हैं. बहुत सारे लोग जो है हार्ट्स लव भेज रहे हैं. मीतू शर्मा, बूम, ग्रेट, यू लुकिंग गुड टुडे, डीपी में अच्छा लग रहे हो. वैसे रिक्की ने आज ज्यादा ब्लिंग नहीं पहना है. वो आज रिक्की क्या है ना, अपना वजन करने वाला है तो ब्लिंग से क्या है रिक्की पे ग्रेविटी ज्यादा एक्ट करती है. तो रिक्की फिर क्या है फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता है. इसलिए रिक्की 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 रिमिक्स रिक्की शक्ति यहाँ पर. हे व्हाट्स अप ब्रो, व्हाट्स अप शक्ति, शक्ति इन द हाउस, की हाल है? एकदम बढ़िया. तुसी तुसी कैसे भाई? मैं बड़ा चंगा हूँ. अच्छा शक्ति मेरे को एक बात बताओ. हाँ, आप शक्ति अरोड़ा हो तो वो पंजाबी की तरह आपको रोड़ा बुलाऊं? रोड़ा रोड़ा बोलते हैं जो एकदम शक्ति रोड़ा. नहीं भाई, मैं बॉम्बे वाला अरोरा हूँ तो मुझे अरोरा ही बुलाओ. अरोरा ही बुलाओ, ये भी ठीक है. मैं कनाडा वाला रिक्की हूँ तो मुझे आप रिक्की बुलाना. श्योर रिक्की, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन. आपको पता है आपको हिचकी आ रही थी क्या जैसे मैंने लाइव शुरू किया? वेरी शक्ति सर, वेरी शक्ति सर, वेरी शक्ति सर. यस यस यस, मुझे हिचकी आ रही थी तो मैंने बहुत सारा पानी पिया. अभी बहुत अच्छा किया, गर्मी में करना भी चाहिए. वैसे कंग्रेचुलेशंस, तेरी रू गाना मतलब वेरी गुड स्टार्ट. व्हाट इज इट, 4 मिलियन ऑलरेडी? आई डोंट नो, लास्ट टाइम आई सॉ इट वाज आई थिंक 3 मिलियन. अभी मुझे पता नहीं कितना हो गया, बट या द सॉन्ग इज प्रीटी नाइस एंड आई लव द सॉन्ग एंड आई गेस पीपल आर आल्सो लाइकिंग इट. यस यस, वो लाइकिंग मैं समझ गया. पहले जो 60 लोग देख रहे थे अभी 600 हो गए अचानक से, तो मैं समझ गया. अच्छा शक्ति, मैंने अपनी मैंने अपनी बेबे को बताया कि मैं आपके साथ कर रहा हूँ लाइव, तो उन्होंने आपको टीवी पे बहुत देखा हुआ है, फिर उन्होंने आपको भी वीडियोस में भी देखा हुआ है. तो मतलब दूसरों के लिए काम नहीं छोड़ना है आपने? नहीं नहीं, डेफिनेटली नहीं. वन सेकंड, थोड़ी सी आवाज प्रॉपरली. अभी अभी मैं दिख रहा हूँ ना प्रॉपरली? अरे पहले मैं आधा कटा हुआ दिख रहा था, एकदम छा दिख रहा है. अब ठीक है. हाँ, तो आप सबको हाय बोलना चाहते हो जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं? यस, हाय एवरीबॉडी फॉर कमिंग हियर लाइव विद रिक्की सिंह एंड ऑन रेड एफएम इंडीज. प्लीज रिक्की सिंह को फॉलो करिए, उनका जो प्रोफाइल है बहुत ही कूल है. मैंने अभी जस्ट चेकआउट किया और आपके मैंने काफी सारे वीडियोस भी चेकआउट किए. सो आई लव योर स्टाइल,
एंड आपका पेज भी बहुत कूल है और रेड एफ एम इंडीज भी बहुत कूल है। मैं सच आपकी बताऊं रिकी, फीमेल्स में जो मेरी फेवरेट आरजे है वो है आकृति, जी एंड आई हैव यू नो डन लॉट ऑफ इंटरेक्शंस वर्क विद विथ हर। हर ऑनलाइन। यस, एंड आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, बट वेन एवर आई यूज टू हियर यू ऑन द रेडियो आई यूज टू ऑलवेज से यार ये बंदा बहुत सही है यार, ये मुझे लड़कों में ये जो आरजे है ये बेस्ट है। मैंने तुम्हारी कभी शक्ल नहीं देखी थी, बट नाउ आई नो यू इन रियल, एंड दिस आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग बिकॉज वी आर हियर ऑन लाइव, बट या आई लव योर स्टाइल, द वे यू टॉक एंड एवरीथिंग, यू सो कूल एंड सो नेचुरल, आई लव इट सीरियसली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अच्छा एक अभी आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, मुझे 13 रुपए ला के आपकी नजर उतारनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच शक्ति। व्हेन एन आर्टिस्ट डज दैट फॉर अनदर आर्टिस्ट, मेरी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। लेकिन प्लीज इस गाने के बारे में थोड़ा सा हमें स्टार्ट में बताएं, क्योंकि द सॉन्ग इज सो ब्यूटीफुल, द कॉन्सेप्ट इज अमेजिंग, तेरी रूह, विदाउट गिविंग सो मच अवे, थोड़ा सा बताएं। व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग फर्स्ट, मुझे पता नहीं था किसने गाया है वगैरह, लेकिन मुझे सॉन्ग थोड़ा अच्छा लगा। मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है कोई भी सॉन्ग को यू नो अडेप्ट करने में, थोड़ा सा अपने जहन में बैठाने में। सो व्हेन आई हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम आई लाइक इट, मैंने कहा चलो सोच देखते हैं कर सकते हैं ये सॉन्ग, क्योंकि ये थोड़ा सा सूफी फील था तो मैंने कभी किया नहीं था। जी एंड व्हेन आई हर्ड इट फॉर फ्यू टाइम्स मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे ऐसा थोड़े थोड़े मेरे रोंगटे भी खड़े होने लगे मुझे, तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो गाना अच्छा लग रहा है, तो मतलब जिन लोगों को गाने की बहुत ज्यादा समझ है उनको तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा गाना। जी सो व्हेन आई मेट द मेकर्स आई गॉट टू नो दैट तोशी हैज संग दिस सॉन्ग एंड आई वाज मोर देन एक्साइटेड, भाई तोशी ने गाया है वो तो वैसे ही इतना अच्छा सिंगर है और उन्होंने बहुत सारे हिट्स दिए हुए हैं पहले, और मेकर्स को भी मैं जानता था, सो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो गया एंड आई जस्ट डिसाइडेड लेट्स गो फॉर इट एंड वी शॉट इट ब्यूटिफुली, द सॉन्ग हैज कम आउट रियली नाइस और गाना भी अच्छा लग रहा है, रेडियो पे भी सुन रहा हूँ, आपके चैनल पे भी सुन रहा हूँ, सो या आई एम लाइकिंग इट ब्रो। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है तोशी को, जो भी मैंने बताया था सुर कैसे लगाना है, वो मुड़कियां कैसे ओ लेनी, कुमरी कैसे करनी है, बहुत अच्छा से सीखे है। वो मेरे साथ बैठते थे यहीं पे तबले पे, हम साथ में करते थे। तो अच्छा अच्छा वो तुम क्लासिकल भी ट्रेंड हो ना। जी मैं क्लासिकली ट्रेंड हूँ, क्योंकि मैं बहुत क्लासिक, मेरी उम्र ज्यादा है तो अच्छा से मालूम नहीं पड़ती, मैं खुद ही क्लासिक, मैं विंटेज हूँ, तो वैसा है। हाँ लेकिन लेकिन मैंने एक गलत ही वाज दसो, टेलिंग मी, ही वाज टेलिंग मी रिकी ने मुझे सब कुछ सारी ट्रेनिंग दी सिखाते, ये पूरा सिखाया उसी महीने। लोग है ना, फिर हम्बल, फिर रिकी कैसे रहे, सब पैप्स पीछे पड़ जाते हैं, आप ये बात समझते होगे। यस 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 ऑफ कोर्स यस यार। अच्छा पर ऑन अ सीरियस नोट, ये तेरी रूह का कॉन्सेप्ट, ये जो वीडियो का कॉन्सेप्ट आया अबाउट समवन हु इज नॉट अराउंड यू बट फिर भी आपको दिख रही है, ये आपके साथ रियल लाइफ में होता है, केमिकल होता थोड़ा इन द ब्रेन? मेरे ख्याल से जब मैं बहुत ही यंग था तभी होता होगा या शायद हुआ भी होगा, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, क्योंकि उस बात को बहुत बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं एंड आई एम विद समवन विद मेनी मेनी इयर्स विद ऑलमोस्ट अ डेकेड, सो अभी मुझे ऐसा कुछ भी मुझे धुंधला सा भी याद नहीं कैसा हुआ है मेरे साथ, पर हाँ ये जो बहुत ज्यादा प्यार में होते होंगे, जो बहुत ज्यादा पैशनेट होते होंगे उनके साथ होता होगा। मैं भी थोड़ा सा ये थोड़ा सा ओटीटी था, ओटीटी था कॉन्सेप्ट, लेकिन इट इज फॉर ओटीटी सो इट्स फाइन। नहीं, मेरे को पूछना था, अगर आप रू बन गए तो आप किसको हॉन्ट करोगे? कोई प्रोड्यूसर जिसने रोल शोल नहीं दिया हो, आप कुछ ऐसा करोगे? हाँ मैं हॉन्ट करूंगा, मैं संजय लीला भंसाली जी को हॉन्ट करूंगा, मैं इम्तियाज अली को हॉन्ट करूंगा, जितने भी टॉप के डायरेक्टर्स हैं सबको हॉन्ट करूंगा मैं, क्योंकि सबके साथ काम करना चाहता हूँ, अच्छा काफी सारे हीरोइंस को हॉन्ट करूंगा पर उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। हाँ मैं ये बोलने ही वाला था कि वैसे आपका हाँ कि आपके इतने वो चॉकलेट लुक्स हैं, कोई लड़की ऐसे आपको रेजिस्ट नहीं कर सकता कि रिक्की कोई आप पे मैन क्रश हो गया, तो मेरे को बताइए कभी लड़की को रिजेक्ट किया हुआ है थोड़े ना? यस व्हेन आई वाज इन स्कूल या आई हैव गॉट रिजेक्ट और आई हैव गॉट बीन रिजेक्टेड या अच्छा इन इन स्कूल कॉलेज का किस आल्सो या पार्ट? आई हैव बीन रिजेक्टेड। ओ ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा डू यू बिलीव इन उसके बाद कॉलेज से मैंने ट्राई नाउ? करना ही बंद कर दिया है, मैंने फ्लर्ट करना ही बंद कर दिया उसके बाद से, मैं करता ही नहीं हूँ, अगर किसी सामने किसी बंदी ने फ्लर्ट किया तो आई यूज्ड टू रिस्पॉन्ड वंस अपॉन अ टाइम बैक आई मीन बिफोर, बट नाउ तो अभी सवाल ही नहीं उठता है, अभी तो अच्छा आप कमिटेड हो पुलिस तो मैं पुलिस पे आपको, चढ़े गए हैं। आप कमिटेड हो लेकिन मेरे फोन में जो है 512 GB खाली है, तो कोई भी नंबर पास ऑन करना तो रिक्की को कर सकते हो। जरूर जरूर। अच्छा ये बताइए कि गाने का जैसे तो गाया है, ये गाने की जब आप शूट कर रहे थे, इतनी भारी आपने शेरवानी पहनी है तो बहुत पसीना आता होगा? थैंकफुली द सेट वाज
एसी सेट, सो कोई मुझे तकलीफ नहीं हुई, बच गया मैं। लेकिन शेरवानी बड़ी कक है यार, मैं बताऊँ आपको, बड़ी तोड़ है, बड़ी कैंट है, मतलब यू आर लुकिंग सो नाइस। और लड़कियों को कितने, हमारे को फैन कोई आई इनको पूछा थैंक यू। वो मेरे स्टाइलिस्ट का है, विक्टर रॉबिंसन ने मतलब मुझे शेरवानी दी थी, तो या थैंक यू एंड आई विल थैंक हिम आल्सो। Have you ever had problem on getting over someone? अभी लड़कियां भूल नहीं पा, तो यार जब आपको काफी तुम्हारी आवाज कट रही है, सॉरी। अभी आ रही है आवाज आपको, चेक वन चेक सेकंड, होल्ड देखिए, ऑन, वन जस्ट जस्ट सेकंड, होल्ड ऑन। यस, बोला कि इनकी जो चेयर है यहाँ पे विक बैक चेयर है, कि ऐसी चेयर पे बैठता है कि जब 5 से 6 आता है सैटरडे को, शाम को रेड एफएम पे लाइव आता है RJ रिकी सिंह पे। अब आ रही है आवाज आपको? हाँ यस यस, आ रही है। जी, तो मेरे को आपको बोलना हाँ, कुछ था पूछ रहे थे। जी कि मैं क्या बोल रहा था, हाँ कि अब हैव यू हैड प्रॉब्लम्स इन गेटिंग ओवर समवन, क्योंकि जैसे आपको यहाँ पे भी हीरोइन आपकी दिखाई दे रही है, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं पहले हमको। तो हैव यू हैड प्रॉब्लम्स गेटिंग ओवर समवन, कि लड़कियां भी रिक्की को एक बार देख लेती पर उनसे भूला नहीं जाता रिक्की। हाँ, तो मेरा ये है कि मैं थोड़ा शेप टाइप का हूँ, इन द सेंस मुझे अगर मतलब किसी के साथ में अगर कंफर्टेबल हो जाता हूँ, सो देन आई डोंट लाइक टू ब्रेक अप एंड आई डोंट लाइक टू पार्ट वेज। सो हाँ, मतलब मेरे लिए थोड़ा पार्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं थोड़ा सा एक जोन में चला जाता हूँ और बहुत लंबे टाइम के लिए मैं जोन में जाता हूँ, और फिर मुझे उस जोन में से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट हैज हैपेंड इन द पास्ट, बट नाउ समवेयर आई हैव मेड माई सेल्फ यू नो लर्न दैट डिटैचमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप, नॉट टू गिव कम्प्लीटली 100 or 200%, बट टू स्टे एट 70%, वेर यू लव द पर्सन, वेर यू गिव द पर्सन एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट टू, एंड एट द सेम टाइम वेन समथिंग यू नो ऑफ दिस क्राइसिस कम्स इन योर लाइफ, देन यू आर डिटैच ऑल्सो, सो दैट यू डोंट फॉल इन टू द पिट। कितने डीप आप, कितने सिंपल हम्बल और डीप इंसान हो, लेकिन पहले ये जो लड़कियां हैं ना, जो हार्ट हार्ट भेज रही है, इनको हाय बोल दो, इनको माता आ रही है, इनको थोड़ा सा आप नाम ले लो। हाय गाइस, तो लड़कियां लड़के ज्यादा लिख रहे हैं मुझे। हाय हाँ जी, आरती, आरती धीर, वलकरण, हाय हीरा, शक्ति अरोरा, लव एफसी, हाय हाय गाइस, हाय एवरीवन, हाय मायशा, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग हियर, फॉर बीइंग हियर, फॉर टॉलरेटिंग अस, थैंक यू सो मच। या वी शैल कंटिन्यू। यस, वी शैल कंटिन्यू। अच्छा, क्या होता है कि कोविड के टाइम पे भी इतनी शूटिंग हो नहीं पाई, फिर जैसे थोड़ा कम हुआ फिर शूटिंग होनी शुरू हुई। हाउ इज इट बीन ड्यूरिंग द लॉकडाउन? So during the lockdown, I was quite busy taking care of myself and taking care of my house, cleaning my house, और बर्तन मांजना, और जो भी हाउस के जितने भी चोर्स होते हैं वो सब करना, और चुप चुप के बाहर निकलना, सब्जियां लेकर आना, तो ये सारे काम किए हैं, और थोड़ा थोड़ा वर्कआउट भी किया, और अपने पे काम किया, अपनी साइकोलॉजी पे काम किया, और कुछ और नई नई चीजें सीखने की कोशिश की। यूट्यूब पे जा जाके जो जो मेरे इंटरेस्ट हैं, तो वो सब मैंने सब रिसर्च किए, बहुत R&D किया, सो आई वॉज नॉट ऑल फ्री, एंड आई फ्रेंकली स्पीकिंग डिडंट गेट बोर्ड एट ऑल, बिकॉज मैं वैसे भी ज्यादा पार्टी वार्टी करने वाला टाइप का हूँ नहीं, आई एम क्वाइट अ होमली पर्सन, सो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा ही हो गया कि मुझे अपना टाइम, मी टाइम मिल गया, एंड आई कुड जस्ट स्पेंड द टाइम विथ माई सेल्फ एंड वट एवर थिंग्स आई वॉन्ट टू लर्न, आई लर्न दैट, सो या आई हैड अ गाला टाइम। ओके, वो कौन सी चीज आपने एक सीख ली जो आपको लगता था आपको, आप कभी नहीं कर पाओगे, जो लेकिन लॉकडाउन ने सिखा दिया आपको? बर्तन मांजना, कांच वाले बर्तन मांजना मुझे बिल्कुल नहीं आता था, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बहुत तोड़े हैं मैंने, तो अभी आई नो हाउ टू हैंडल द कप एंड देन उसको मांजो कैसे, मुझे पता नहीं, तो क्योंकि जब आप साबुन वाला हाथ आप उसको पकड़ते हो तो वो बड़े फिसली फिसली से हो जाते हैं एकदम, और वो हाथ से निकल जाते हैं और फिर उसके हैंडल टूट जाते हैं और फिर बहुत गालियां पड़ती हैं घर पे, सो अभी नाउ आई नो हाउ टू होल्ड इट एंड देन दबा दबा के मांजो। अरे रिक्की भी डस्टिंग बहुत अच्छी करता है, हम दोनों को ये घर का काम पकड़ लेंगे। जरूर जरूर। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आपकी कोस्टार के बारे में, बताएं आपकी आपकी सगाई हो रही है इन द सॉन्ग, और आपको जो है आपकी पहले की गर्लफ्रेंड याद आ रही है, तो कौन है वो और उनके साथ काम करना कैसा था, थोड़ा सा बताएं। यस, सो निशा इज अ न्यूबी इन द इंडस्ट्री, बट शी इज क्वाइट अ गुड एक्ट्रेस, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी नए आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ,
बिकॉज शी इज वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया एंड शी इज गॉट लोड्स ऑफ फॉलोअर्स एंड एवरीथिंग, और उन्हें बहुत आदत है रील्स वील्स बनाने की. तो आधे लोगों को, तो आधे अपने यंगस्टर्स जितने भी मिलेनियल्स हैं, उनको एक्टिंग रील्स बनाते बनाते ही आ गई. उनको आजकल एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है. मतलब अच्छा फोन, मतलब पैदा होते हैं सीधा रील्स बनाना शुरू कर देते हैं. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस जनरेशन. सो या तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई. उनको सब कुछ आता ही था, सब कुछ, सारे एक्सप्रेशंस आते थे. इनफैक्ट बहुत ज्यादा आते थे जो उन्होंने मुझे भी सिखाए. एंड शी वाज प्रीटी गुड, और इजीली उन्होंने कर लिया. और या इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद हर, एंड आई होप टू वर्क विद हर अगेन. शक्ति, वैसे मैं आपसे कुछ पर्सनल में आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको भी लाइफ में बहुत बार प्यार हुआ होगा, इसमें भी गाने में भी, और लुकिंग फॉर लव आफ्टर लूजिंग योर लव, क्या आपको लगता है दूसरी बार भी उतनी जोर से प्यार हो सकता है इंसान को, उतना ही सच्चा? मुझे लगता है कि जो लव होता है, इट इज अ केमिकल लोचा इन द ब्रेन ओनली, एंड यू ट्रेन योर माइंड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन. सो दैट सेम रिएक्शन कैन हैपन एन नंबर ऑफ टाइम्स इन योर लाइफ. इट डजंट मैटर इफ इट इज अ फर्स्ट टाइम. हाँ, फर्स्ट टाइम थोड़ा स्पेशल होता है बिकॉज इट इज हैपनिंग विद द फर्स्ट टाइम. बट सेकेंड टाइम यू नो वॉट इट इज. थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, जितनी बार भी आपको वो वैसे इंसान मिलते रहते हैं, उस टाइप के मिलते रहते हैं, तो आपको अलग 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 टाइप का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्यार होता रहता है, अलग अलग इंटेंसिटी का होता रहता है. बट यस, प्यार होता है. और उसके बाद प्यार होना बंद हो जाता है, और उसके बाद डेड हो जाता है. उसके बाद सिर्फ एक कनेक्ट होता है, अटैचमेंट होता है, और प्रोबेबली लस्ट होता है. सो वो प्यार व्यार वाली फीलिंग सब खत्म हो जाती है. समझ में आ जाता है कि बेटा ये प्यार व्यार नहीं, मुझे मालूम है इसका अंत क्या होने वाला नहीं, रिक्की है. को ये कंफ्यूजन था क्योंकि रिक्की को उसका पहला प्यार ब्लूबेरी चीज केक से हुआ था, और ओ 13 सेकंड का रिलेशन था, फिर हम दो जिस्म एक जान हो गए क्योंकि खा लिया मैंने उसको। हाँ, तो वो तुम्हारी जान में बस गया, मतलब निकला ही नहीं उसके बाद बाहर. वो मेरी रगो रगो मेरे पड़ रहा है। तो लॉकडाउन में तो मतलब मेरे इतने सारे मतलब इन चीजों के साथ मैंने प्यार किया और उनके साथ संभोग किया, लाइक जलेबी एंड रबड़ी एंड चॉको आइसक्रीम्स एंड सो मेनी आइसक्रीम्स. वो अभी तक वो प्यार जो है मेरे जिस्म से निकला नहीं है, अभी तक मेरे रूह से निकला नहीं है. आई एम ट्राइंग रियली हार्ड टू टेक इट आउट ऑफ माई रूह. झूठ नहीं बोलते, इतने फिट हो, मैं चावल खाता हूँ, मेरे पे तुम्हें दिखता है, ये क्या कर रहे हो यार भाई, क्यों एम्बैरस कर रहे हो? यार 1 महीने से बहुत रिग्रेस डाइटिंग कर रहा हूँ, तब जाके मेरा 3 से 4 किलो कम हुआ, नहीं तो मैं पूरा फूक के सांड हो गया था. अरे रे रे रे, तो अच्छा, एक लव टिप और एक फिटनेस टिप सबको दे दो यहाँ पर लाइव पर रेड एफएम पर। मेरे ख्याल से लव अप पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करो. लव अपने आप आ जाएगा, और जब होना होगा तब हो जाएगा. ज्यादा उसके ऊपर जोर डालने की जरूरत नहीं कि मुझे पार्टनर ढूंढना है और आंखें खुली रखने की जरूरत नहीं. इट विल हैपन ऑटोमेटिकली. एंड फिटनेस टिप इज दैट डोंट डू एनी डाइट्स, ट्राई टू टेक अप अ लाइफस्टाइल व्हिच नाइस विल बी मोर लॉन्ग लास्टिंग. नाइस। जाते जाते जो फैंस ऑफ तोशी हैं, जो फैंस ऑफ शक्ति अरोरा हैं, जो फैंस ऑफ द सॉन्ग तेरी रूह हैं, उनको आप एक क्या प्यारा सा मैसेज देना चाहोगे, जो मतलब अब, ताकि उनको हम रिकी सिंह के फैंस में भी कन्वर्ट कर सके? हाँ ओके. सो मैं सारे तोशी फैंस को और सारे निशा फैंस को और जो मेरे वेल विशर्स हैं और रिकी सिंह के जो हार्ड कोर कट्टर फैंस हैं, उनके लिए बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अकाउंट को फॉलो कीजिए, रेड रेड एफएम इंडीज के अकाउंट को फॉलो कीजिए. एट द सेम टाइम प्लीज जाके यूट्यूब पे गाना सुनिए, तेरी रूह बाय तोशी सबरी फीचरिंग शक्ति अरोरा एंड निशा गुरगान. एंड आई एम श्योर अगर आप पहली बार गाना सुनेंगे तो आपको पहली बार में गाना अच्छा लग जाएगा और आप उसे अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे. सो प्लीज गाइस गो एंड इट्स अ रिक्वेस्ट. दिस सॉन्ग इज रियली डियर टू माई हार्ट बिकॉज आई लव दिस सॉन्ग. और मैं नहीं बोलता हूँ कि सबका टेस्ट सेम मेरे जैसा होगा, बट आई एम श्योर दैट यू लाइक दिस सॉन्ग. सो या एवरीबडी शुड गो एंड हियर दिस सॉन्ग एंड एड ऑन टू द प्ले लिस्ट. बहुत ही अच्छा लगा। और एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम रिकी सिंह को प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा एडुलेशन दीजिए बिकॉज ही इज सच एन अमेजिंग ह्यूमन बींग एंड सच अ बिग स्टार. थैंक यू @RG रिकी सिंह, शेमलेस प्लग। तो यू आर अ हम्बल बींग, यू आर अ ग्रेट स्टार, यू हैव अ ब्रिलियंट फॉलोइंग, यू आर सच पर्सन। हम ऐसा बोल है जिनको मैं मिलता हूँ, खासकर टीवी वालों को मैं बोलना थैंक चाहता हूँ, यू आर, और अच्छी अच्छी रूह जो आपको प्रोटेक्ट करे, और फिर आपको प्यार व्यार तो मिलता ही रहेगा, हम आपके साथ यू हैं। ऑल द आउट. बेस्ट। क्या टारगेट रखे इस गाने के, 400 मिलियन क्या रखे? बाप रे. मेरा कोई टारगेट नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिलों तक ये गाना पहुंचे.
पहुंच गया जी, पहुंच गया पहुंच गया। रिकी खुद जाएगा ऐसे वो हार्ट वाला तीर मारने, वो जो वैलेंटिनो होता है। हाँ जी, रिकी खुद करेगा। थैंक सुपर हिट, ऑल द बेस्ट एंड वी विल कीप मीटिंग सून। यू ब्रो, थैंक यू, गॉड थैंक ब्लेस, यू, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग लाइव, थैंक यू सो थैंक यू, मच, बाय। थैंक यू, बाय। देखा आपने कैसे शक्ति अरोड़ा नाल आपा किन्नी गल्ला बात है कि मैं सिर्फ उनको पूछना भूल गया उनको कौन से भजिए ज्यादा पसंद है, तो मैं नेक्स्ट टाइम वो कांदे के बनाऊं, बटाटे के बनाऊं, वो सब पता चल जाए। लेकिन आप भी जो है @RJRickySinh को फॉलो करें और शक्ति अरोड़ा के साथ हमारे ऐसी बातें शातें चलती रहेंगी। उनका गाना देखिए जरूर से, तेरी रूह बहुत ही कड़क। तो रिक्की जो है आपसे विदा लेगा जरूर से, @RJRickySinh, @RJRickySinh ऑन इंस्टा फॉलो करें। और बहुत जल्दी आपके साथ ऐसी लाइव शायद के साथ मिलते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम ब्लिंक पहनता हूँ यार, आज ब्लिंक नहीं पहना ना, फील नहीं आई। लेकिन शक्ति सो हम्बल लाइक दैट, शक्ति को मोर पावर टू हिम। ऑलराइट ऑलराइट, रेड एफएम बजाते रहो।